और सबसे अच्छी बात पता है हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर येट वेरी रैंडम ब्लॉग, क्योंकि आज कुछ भी प्लान नहीं है। मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया है एक्चुअली। बहुत जल्दी जल्दी मैं अभी निकली हूँ मैं तो, अभी मुझे रिलायंस मार्ट या रिलायंस फ्रेश जाना जो कि है मैकॉन में, और कुछ मुझे अपने लिए परचेज करना, जैसे कप नूडल्स और मतलब ऐसे ही कुछ रैंडम शॉपिंग करनी थी। तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बना लेती हूँ अगर निकली हूँ तो। और एक चीज़ है कि बहुत टाइम, मतलब जब से सावन ख़त्म हुआ तब से यहाँ पर एक तंदूरी मोमोज़ का शॉप है, वहाँ से मैंने तंदूरी मोमोज़ नहीं खाया है तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन आज वो भी टेस्ट करना है। तो आपको लोकेशन बताऊँगी, अगर आप रांची से हो गए तो बिल्कुल ट्राई करना। तो अभी पहले जा रही हूँ मैकॉन, शॉपिंग कर लेती हूँ। और एक अच्छी बात ये है ना कि आज का जो वेदर है बहुत अच्छा है, मतलब ना धूप है ना बारिश हो रही है, और हल्का क्लाउडी वेदर है, क्योंकि पिछले दो दिन से इतनी बारिश हो रही थी। मुझे जाना भी था, बहुत सारा काम था मम्मी के साथ, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, तो शायद से कल वो काम हो जाएगा मेरा, मे बी, अगर वेदर ठीक रहा तो। लेकिन आज का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें कुछ भी ऐसा तंदूरी मोमोज जो मैंने बताया वो सब खाने में ना बहुत मज़ा आने वाला है, और टेस्ट भी वहाँ का बहुत अच्छा होता है। मैकॉन का जो एरिया है ना वो इतना ज़्यादा पीसफुल और इतना पसंद है मुझे, क्योंकि मतलब बचपन का याद जुड़ा हुआ है यहाँ पे। बहुत कुछ स्कूटी सीखा है मैंने, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए मैंने। 15 अगस्त को यहाँ पर घूमने आ जाते थे हम सब दोस्त लोग, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही पीसफुल है। और यहाँ पर एक चीज़ है ना कि ज़्यादा राउंड लगाने के लिए नहीं देते यहाँ पे, अगर आपको देख लिया है राउंड लगाते हुए तो फिर मतलब फिर आपको मना कर देंगे इस जगह पे आने के लिए, ऐसा यहाँ पर है। तो अच्छा है, मतलब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। इसी गली में ना रिलायंस ट्रेंड है, ओके। यहाँ पर हम लोग आए हैं शायद एक बार आ चुके हैं, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड, सिग्नेचर। कप नूडल्स है ही नहीं यहाँ पे, तो ये सामान हो गया है। अभी बगल में रिलायंस ट्रेंड है, वहीं जा रहे हम लोग। तो बात है ऐसा कि शॉपिंग हो गया, जो मुझे लेना था वो मिला ही नहीं। कप नूडल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी मेरा करंट फेवरेट है, इसलिए मैं स्पेशली वही लेने आई थी, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। बाकी कुछ रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स लिए मैंने, कुछ नूडल्स, टॉप रामेन, और एक दो न्यू आइटम्स लिए मैंने जो कि मैं ट्राई करूँगी।
और ट्रेंड्स में बस ऐसे ही कलेक्शन देखने के लिए गए थे, क्योंकि वैसा कुछ लेना नहीं था, क्योंकि बहुत सारा ऑनलाइन ऑर्डर कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी कपड़े वगैरह, क्योंकि दुर्गा पूजा आ रहा है तो उसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है। देखना था बस, ऐसे लेना नहीं था कि क्या क्या न्यू कलेक्शन आया हुआ, अगर कुछ पसंद आता वैसा तो ज़रूर लेती, बट मुझे नहीं अच्छा लगा कुछ भी वहाँ पे। और अभी बस जाना है वहाँ तंदूरी मोमोज खाने के लिए, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, काफ़ी टाइम से नहीं खाया इसलिए। ये है सदानंद चौक सामने, और ये जो मोमोज का शॉप है ये वाला दुर्गा मोमोज जो कि बहुत टेस्टी मोमोज बनाते हैं। तो ये रहा तंदूरी चिकन मोमोज, और थोड़े मैंने पार्सल भी करा लिए क्योंकि घर पे भी सबको बहुत पसंद है, तो इसको टेस्ट करते हैं। जैसे हमेशा ही इसका बहुत अच्छा रहता है मोमोज, और इसका प्रोसेस तो आपने देख ही लिया होगा, तो अभी बस इसको खाकर मैं घर जाऊंगी। और ऐसा कुछ भी अगर मैं करूँगी तो ज़रूर ब्लॉग करूँगी। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ, और मैंने ये भी लाया था सेंटर फ्रूट का ये टेनिस बॉल शेप, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था वहाँ पे, थोड़ा यूनिक, मैंने कभी नहीं ट्राई किया है। तो ये सब भी हम लोग ट्राई कर रहे थे, ये टेनिस बॉल का शेप, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी यूनिक है, मैंने कभी नहीं ट्राई किया, अगर आपने ट्राई किया तो मुझे बताना। अच्छा, थोड़ा च्यू करने में थोड़ा हार्ड है। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।